नमस्कार, मेरा नाम मान इंडिसन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। इमेजिन करो, आप घर पर बैठे हो, आपके बच्चे को सांप काट ले, आप उसे उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाए और सिर्फ एक वैक्सीन का इंतजार करें कि एक वैक्सीन लग जाए और बच्चा सेफ हो जाए, लेकिन उस हॉस्पिटल वाले कह दे कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल, उसके बाद तीसरे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में गेट खटका खटा के आप थक चुके हो। डॉक्टर आपको पर्सनली वैक्सीन लेने के लिए बाहर भेजता है, आप वैक्सीन सुबह तक ढूंढते हो, आपको नहीं मिलता है। आपका बच्चा हॉस्पिटल में तड़प रहा है, माँ बाहर बैठी इंतजार कर रही है कि अब मेरे बच्चे की जान बचेगी, और पिता लगातार हर मेडिकल स्टोर में जाकर वैक्सीन की उम्मीद कर रहा है जो कहीं नहीं मिल रही है। एक ऐसी ही दास्तान नागपुर शहर में हुई है। उस मासूम बच्चे ने जो 10 साल का था सिर्फ, जिसके पास पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसने वैक्सीन के इंतजार में अपना दम तोड़ दिया। मैं बात करना चाहूँगा पहले उनके पिताजी से, क्या हुई थी और कैसे हुई थी पूरी दास्तान। मेरे बच्चे को रात को 28 तारीख के 2-2.5 बजे के बीच में एक सांप ने काट लिया। हम लोग सोए हुए थे परिवार के साथ में, बच्चे रोने की आवाज़ आई कि मम्मी मुझे कोई काट लिया है उंगली पे। तो हमने देखे टार्च जला करके तो बेड के नीचे सांप था। तो उसकी माँ बोली कि बच्चे को सांप ने काटा है, आप जल्दी से कोई हॉस्पिटल में लेके जाओ। मेरे पास में एक गाड़ी थी छोटी, वही गाड़ी में लेके मैं पहले उसके मामा के साथ में मैं भवानी हॉस्पिटल गया। भवानी हॉस्पिटल में बोले बच्चे का जो ये सांप काटता है उसका इंजेक्शन नहीं है हमारे पास में, और ICU बेड लगेगा, आप ऐसा करिए कि कोई नोवा मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाइए। इतने में जो सर्प मित्र हमारे यहाँ जो पकड़ने आए थे, उनका फ़ोन आया कि सर आप इधर उधर मत भटकिए, आप सीधा मेवाड़ मेडिकल हॉस्पिटल ले जाइए, बच्चे को वहाँ पे इंजेक्शन जल्दी मिल जाएंगे। हम लोग वहाँ से भागे भागे मेवाड़ हॉस्पिटल गए, उन्होंने वहाँ पे पर्ची वर्ची निकालने को कहा। फिर हमारे को करीब 15-20 मिनट आधा घंटा उन्होंने बैठा के रखा, बोले बच्चे के डॉक्टर आ रहे। फिर वो आने के बाद बोले कि मेरे पास में डेंगू के कारण कोई भी यहाँ पर बेड और ICU और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है और इंजेक्शन भी नहीं है, आप मेडिकल लेके जाओ बच्चे को। वहाँ से फिर मैं भागता मेडिकल हॉस्पिटल लेके गया। मेडिकल हॉस्पिटल में जाने के बाद में जो वहाँ का वो काटता है, पर्ची बनाता है जो डॉक्टर सामने में, वो सोए हुए थे, उनको उठाने के बाद प्रयत्न करने के बाद 10-15 मिनट बाद उन्होंने पर्ची निकाले और हम लोग अंदर लेके गए। वो डॉक्टर बोले बच्चों के डॉक्टर आ रहे हैं, आप वेट करिए। वो करीब 15 मिनट बोले और करीब 1 घंटे के बाद में वो बच्चों के डॉक्टर आए। हम कि आप जब 2:20 में काटे, हाँ 2:20 आप घर से निकले हो बच्चे को लेकर, पहले आप भवानी हॉस्पिटल गए, फिर मेयो गए, फिर आप मेडिकल गए। मैं जानना चाहूँगा कि मेडिकल तक पहुँचने में आपको कितना समय लग गया, कितने घंटे बीत गए? करीब सर 30-40 मिनट का समय लग गया मेरे को, क्योंकि 10-15 मिनट आधा घंटा यहाँ खराब हुए, 10-10 मिनट जाने को लगे। उस समय ट्रैफिक जाम नहीं था, रोड पूरी खुली हुई थी, और वहाँ पे जाने के बाद में मेवा और मेडिकल के डॉक्टरों ने उसके हाथ में, हम लोग कैसा गावरानी इसमें पट्टी बांध देते हैं सांप ने कुछ काटा, तो पट्टी खोलने लगा दिए। मैं बोला सर पहले इंजेक्शन कुछ लगा दीजिए, बाद में वो पट्टी को खोलिए। नहीं नहीं बोले, तुमको क्या समझता है, बोले तुम डॉक्टर हो क्या, बोले तो तुम इलाज कर लो, बोले। तो उन्होंने पट्टी खोल दी, उसके बाद में बच्चे को बैठा कर रखे और किसी प्रकार से कोई इंजेक्शन और कोई दवाई उन्होंने नहीं दिया, और बच्चे हमारे साथ में मतलब अमानवीय व्यवहार, जैसे आदमी जानवरों के साथ जैसा व्यवहार करते, दुर्व्यवहार, तुमको रखना है रखो, नहीं तो अपने बच्चे को ले जाओ मार डालो, हमको नहीं मतलब है, हमारे पास में किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं, चाचाई किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं, किसी प्रकार का एंटीवेनम नहीं है। और उन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी परेशान किया। जो हमारे एम्बुलेंस वाले भैया थे, मैंने एम्बुलेंस बुलाया था वहाँ पे, तो एम्बुलेंस वाले भैया बोले कि अगर आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो मैं वेंटिलेटर देने को तैयार हूँ, आप बच्चे को मतलब ट्रीटमेंट कीजिए। लेकिन अब वो हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमें ये उम्मीद की जा रही थी कि वेंटिलेटर हॉस्पिटल से मिलेगा, ICU बेड हमें हॉस्पिटल से मिलेगा, लेकिन नहीं, जो आपने एम्बुलेंस बुलाई थी जिसमें वेंटिलेटर अवेलेबल था, उस एम्बुलेंस वाले को दया आ गई है, लेकिन वो हॉस्पिटल वाले और हॉस्पिटल के प्रशासन को कोई दया नहीं आई अब तक कि वो कुछ अरेंजमेंट कर सके। फिर उसके बाद में उन्होंने हमको एक चिट्ठी लिख के दिया, हमारे रोने गिड़गिड़ाने के बाद में, हमारे पिताजी चाचा भाई छोटा हम सब पहुंचे, हम रोने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी कि जाओ ये इंजेक्शन लेके लाओ। लेकिन हम लोग रात भर भटकते रहे, हम लोग करीब आधा पौन घंटा, लेकिन हमको कहीं कोई भी इंजेक्शन नहीं मिले।
और उसके बाद में फिर मैं नेल्सन, उन्होंने कहा कि अब नेल्सन हॉस्पिटल ले जाओ, उनके कुछ दलाल थे उन्होंने हमें गाइड किया कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं मिल रही है, हाँ। तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल का रास्ता उन्होंने ही दिखा, जी जी ठीक, तो नेल्सन लेके जाओ नहीं तो कलर्स हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा। या वहाँ के एक दलाल खड़े थे, तो बोले स्वरटेक हॉस्पिटल में ले जाओ। दलाली का वहाँ बहुत ज़्यादा भंडाफोड़ है, जिसके पास मतलब दलाली का वो नहीं है उसको कोई किसी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। अभी दो दिन पहले भी इसी प्रकार से घटना हुई। उसके बाद हम बच्चों को न्यूरान हॉस्पिटल, फिर नेल्सन हॉस्पिटल, आखिरी में थक हार के हम लोग लता मंगेशकर हॉस्पिटल गए। तो उस समय बहुत देर हो गई थी, 3.5-4 घंटा बीत गए थे, बच्चे के बॉडी में पूरा जहर फैल गया था और उसके मुँह से ऐसा जो सब फेनकुट निकलता है तो फेनकुट निकल रहा था और बच्चा बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पापा मुझे बचा लो बचा लो। पर अपने बस में नहीं था सर कुछ भी कि मैं बच्चे को बचा लूँ अपने हाथ में, पर मैं पूरा अमानवीय तरीके से व्यवहार और डॉक्टरों का निषेध करता हूँ कि इनके ऊपर में मुकदमा मानव हत्या का दर्ज होना चाहिए डायरेक्ट, और जो हत्या की केस लगती है मेरे बच्चों की, इन्होंने हत्या की है डॉक्टरों ने, मेडिकल प्रशासन ने पूरी। और उसके बाद में दूसरे दिन मुझे फोन आता है कि हमारे पास तो 2000 एंटी वेनम, 2500 रखे आईसीयू बेड इतने हैं, वेंटिलेटर है, आप हमारे सीएमओ ऑफिस क्यों नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई बीमार होगा तो सीएमओ ऑफिस आप जाएंगे कि कैजुअल्टी जाएंगे, मतलब जहां पर आपातकालीन सेवा रहती है, बच्चे को तो वहीं लेके जाएंगे ना। मुझे, हमें क्या पता था कि सीएमओ ऑफिस क्या होता है। रोने गिड़गिड़ाने के बाद में वहाँ के बच्चों, मतलब डॉक्टरों ने किसी प्रकार से कोई मानवीय व्यवहार नहीं किया, बोले बच्चे को ले जाना है ले जाओ नहीं तो मार डालो, हमसे किसी कोई प्रकार का संबंध नहीं है। बोले ये वो मेडिकल हॉस्पिटल है जहाँ आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले 2 महीने के लिए एक ऐसा नकली डॉक्टर वहाँ लोगों का इलाज कर रहा था। क्या हम उस मेडिकल हॉस्पिटल में लोगों को जान का भरोसा कर सकते हैं? मतलब जिस हॉस्पिटल में 2000 एंटी वेनम वैक्सीन अवेलेबल थी और उस डॉक्टर ने उनके पिताजी को, बच्चे के पिताजी को बाहर से लाने के लिए कहा, आपको कितने इंजेक्शन लाने के लिए कहा गया था? मेरे को 10 इंजेक्शन लाने के लिए बोला था, एक चिट्ठी में लिख के दिए थे उन्होंने ऐसे, वो चिट्ठी अभी मेरे पास, मैं आप लोगों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि वो चिट्ठी लिख के दिए। और हम लोग कई, आप लोग जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, हम लोग कई मेडिकल हॉस्पिटल में गए, मेडिकल केस में दवाई की दुकान में, लेकिन वो कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिली। आज उसी छोटे से इंजेक्शन के कारण में मेरे बच्चे की जान गई। मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस न्याय दिलाने में हमारी मदद करिए, बच्चे को न्याय मिले, ताकि प्रशासन और शासन जो जागे, यहाँ के आमदार, खासदार, नगर सेवक, विधायक जो भी है, जो सोए हुए हैं वो जागे कुंभकर्ण की नींद से, और इस तरह से जो मानव के हित के लिए है, जो आप आम लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए है, उस सभी चीज़ों को ध्यान दें। आप लोगों के माध्यम से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। क्या बोलूँ मैं, बताओ ना क्या 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 हुआ था उसमें? बच्चे को 2:20 में सर्प काटा घर को, फिर गाड़ी में लेके गए जल्दी से, मेवा वाले वहाँ टाइम लगा दिए, इसके बाद मेडिकल में गए, मेडिकल में टाइम लगा दिए, फिर 2-3 हॉस्पिटल प्राइवेट में गए, फिर वहाँ नहीं हो पाया तो लता मंगेशकर गए, वहाँ भी काफ़ी देर लगा दिए थे, पहले नहीं ले रहे थे, रोने गिड़गिड़ाने से फिर लता मंगेशकर में उसको एडमिट किया गया, 6-7 दिन में उसको तो हो। आज यहाँ पर कैंडल मार्च हुआ सिर्फ एक उम्मीद पर कि किसी ना किसी को इंसाफ मिले, लेकिन क्या हम किस प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? कुछ महीने पहले पार्टी में एक किस्सा हुआ था जो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति को तड़पा तड़पा कर पुलिस स्टेशन में ही मार दिया था, जो हम सब जानते हैं, इसकी खबर हम सबके पास मौजूद है। क्या हम उस पुलिस से भरोसा रखते हैं कि हमें इस बात का न्याय दिलाएगी? किस पे भरोसा रखते हैं? किस पे भरोसा कर सकते हैं? ये सही में एक सवाल है कि हम लोग किस पे भरोसा करें, उन पुलिस प्रशासन पे जो बस छोटी सी गलती पे उसको पीट पीट के मार दिया गया, या फिर मेडिकल प्रशासन पे, जिस तरह की आप घटना आपने पूरी तरीके से सुन ली है, और ये नई बात नहीं है, उनके लिए आम बात है। चलो ये जैसे ही 5 तारीख को आदर्श मिश्रा इनकी जो स्वर्गवास हुआ, उसके तुरंत बाद हमारे रेस्क्यूअर्स जब हॉस्पिटल गए फीडबैक लेने, तो वहाँ पे एक और केस इस तरह की थी जहाँ पे रसल स्वाइप पर उनको बाइट हुआ था, वो भी काफ़ी डेडली स्नेक होता है, वेनमस स्नेक होता है, वहाँ उनको 1.5 घंटे तक रखा गया लेकिन किसी तरह का उन पर इलाज नहीं किया गया। उसके बावजूद डॉक्टर का ये बोलना था कि अब तू हमें सिखाओगी कि हमें किस तरह से करना है, वो वेनमस आप आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा समय नहीं देगा, उसके बावजूद 1.5 घंटे में आपका ये जवाब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। और आज ये जो सब सारे प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च हम लोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रशासन जागे, वो सोई है सोई रहेगी, इसलिए कर रहे हैं कि आदर्श मिश्रा इनको न्याय मिले। इनका जो मर्डर हुआ है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है पूरी तरीके से,
उनको मर्डर को सजा मिले सारी की सारी, और स्नेक बाइट केसेस हो या जितनी भी आपातकालीन स्थिति में आने वाले लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP बनाई जाए, और स्नेक बाइट केसेस के लिए अलग OPD बनाई जाए जहाँ पे इनका प्रथम उपचार सबसे पहले किया जाए और वहाँ पे डॉक्टर कम से कम अवेलेबल हो। आप कैजुअल्टी में जाते हैं मेडिकल में तो पता चलता है वहाँ पे सैकड़ों पेशेंट सोए हुए हैं, या आज की परिस्थिति है वहाँ पे कि वहाँ सैकड़ों पेशेंट सोए हुए हैं और उनका इलाज करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है। केवल स्नेक बाइट नहीं, सर्प स्नेक बाइट पर ही नहीं, अदर जो भी पेशेंट्स है काफ़ी सारे जिनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उनके ऊपर, सैकड़ों पेशेंट्स के ऊपर एक या दो डॉक्टर्स वो भी ट्रेनिंग, उसके अलावा कोई आपकी वहाँ पे सुध लेने वाला नहीं होता है। तो हम किस पे भरोसा करिए, वास्तव में एक सवाल है उस पुलिस प्रशासन पे जो डंडे से पीट पीट कर लोगों को मार देती है, या उस मेडिकल प्रशासन पे जो बिना पीटे ही लोगों को मार देती है। ये बहुत बड़ा सवाल हम सबके बीच खड़ा है, और आज एक 10 साल का बच्चा था, कल हमारे परिवार में से कोई एक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम किसके लिए लड़ेंगे? और अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कब उठाएंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर पूरे मौजूद थे पूरा टाइम। हाँ, मैं यहाँ से गया था, हुआ ये था कि ये सब वाक़ होने के बाद मैं वहाँ पर जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस दिन मेडिकल में गया, और मेडिकल में जाने के बाद मैंने जहाँ से चिट्ठी निकल के उनको पूछा कि मतलब आदर्श मिश्रा नाम का व्यक्ति यहाँ पर एडमिट था क्या, तो बोले हाँ, बोले अभी भी वार्ड नंबर 6 में एडमिट है बोले। तब मैंने उनके मतलब जो इंसान की मौत 5 तारीख को ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है उनके रिकॉर्ड में, मेडिकल के रिकॉर्ड में आज भी वो जो बच्चा है वो आज भी एडमिट दिखा रहा है। 9 तारीख का फोटो ही है, आज वार्ड नंबर 6 में बच्चा अभी भी एडमिट दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहाँ पर सरपंच मित्रों के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तो सारे सरपंच मित्र मिलकर मेवो मेडिकल के डॉक्टर के नंबर्स देंगे, और जिनके घर में सांप निकलता है उनको बोलेंगे हम कि पहले मेवो मेडिकल के डॉक्टर्स को फोन कीजिए और उनको बताइए कि अगर तुम्हारे पास ASV और बेड्स अवेलेबल है तो ही सरपंच मित्र आने को बोल रहा है। ये पूरी स्थिति होने ना दे, कहीं ना कहीं प्रशासन ने इस पर संज्ञान लेने को होना, और जल्दी से जल्दी जो भी इसमें डॉक्टर दोषी है उन पर कार्रवाई होने को होना। बस आदर्श मिश्रा जो एक मासूम बच्चा था और इतनी बड़ी दुर्दैवी घटना जो घटी है, ये मेडिकल प्रशासन मेयो प्रशासन का बहुत बड़ा फेलोरिटी है, और एक छोटे से बच्चे को जो अन्याय हुआ है उसके साथ उसकी आज जान चली गई। हम लोग शुरू दिन से ही इस चीज़ में लगे थे, लेकिन चूंकि समय ज़्यादा होने के कारण बच्चा बच नहीं पाया, 6-7 दिन वो मौत से लड़ा लेकिन आखिरी में वो हार गया। उसके पश्चात हम सभी पूरे परिवार के साथ में मिल करके हम लोग अजनी पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पर हमने कंप्लेंट दर्ज कराया है, वहाँ पे दिया है, और एक कमेटी गठित हो चुकी है मेडिकल में। उन जो दोषी डॉक्टर हैं जिनके कारण ये घटना घटी है, अमानवीय अत्याचार जो डॉक्टर ने किया है, उसके लिए कमेटी बैठ चुकी है, 5 सदस्यीय कमेटी बैठी है। उस कमेटी का निर्णय सही निर्णय आना चाहिए, हम लोग अपेक्षा लगाए। अगर वहाँ पर अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो उसके लिए हम सभी लोग मिल करके एक जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज आदर्श मिश्रा एक आदर्श बनेगा इस चीज़ के लिए कि आगे किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसी घटना ना घटे। महानगर पालिका की फैलोरिटी है, ये क्षेत्र स्मार्ट सिटी में आता है, और यहाँ पर जहाँ घर है वहाँ पर चारों तरफ जंगल है, झाड़ियाँ हैं, जिसके वजह से सांप और बिच्छू उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। ये महानगर पालिका को जागने की ज़रूरत है। मुझे इस चीज़ का दुख है और हम सभी को दुख है कि अभी तक महानगर पालिका का एक भी प्रतिनिधि इनके पास में मिलने तक नहीं आया। यहाँ के चाहे महापौर हो, चाहे नगर सेवक हो, चाहे आमदार हो, उन लोगों को जागने की ज़रूरत है और उनको एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि इस प्रकार से अगर आज एक बच्चे के साथ घटना घटी, कल किसी के साथ घट सकती है। हम सभी लोग इस परिवार के साथ में हैं, मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। सर्व मित्रों ने जिस प्रकार शुरू से उन्होंने साथ दिया, उस समय भी हम लोग जब हिंगना गए, हिंगना में भी बेचारे पूरे उनका जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है और हमेशा शुरू से ही काम साथ दे रहे हैं, आकर के डोज चेक किया उन्होंने, उन लोगों ने देखा कि बराबर डोज दिया गया कि नहीं दिया गया, दवाई सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। सर्व मित्रों का जो साथ मिला है परिवार को, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है, और इसी प्रकार से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, अवश्य ही आदर्श मिश्रा को न्याय मिलेगा। जब तक न्याय उसको मिलता नहीं, दोषियों को सजा मिलती नहीं, हम कोई भी शांत बैठेंगे नहीं। आज एक मासूम
मासूम बच्चे की जान गई है, उससे सबक लेने की जरूरत है पूरे प्रशासन को, सरकार को और महानगर पालिका को। सभी ने मिल करके इसकी लड़ाई में हम लोग साथ देंगे और आगे आकर के अवश्य ही इस चीज को आदर्श मिश्रा एक आदर्श बनेगा इस लड़ाई में। और सांप काटने की जो समस्या है पूरे नागपुर शहर में, आउटर भाग में जो झाड़ियां हैं, जो वहाँ पे कचरे भरे हुए हैं, उसके कारण से ये ज्यादा हो रहा है। मेरा महानगर पालिका के प्रशासन से, महापौर साहब से अनुरोध है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है और ये झाड़ियां साफ करवाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पूरे पानी भरे हुए हैं, डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, ये चीजों को महानगर पालिका ने ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद मेडिकल, चाहे डीन हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर हो और मेडिकल हो या मेयो, दोनों हॉस्पिटल, क्योंकि दोनों ने इनको निगलेक्ट किया और बता रहे हैं कि हमारे पास 2 से 2500 डोज हमारे पास है, तो अगर हमको 2500 में 5 डोज भी दे देते तो आज वो बच्चा हमारे साथ में रहता था। 11 साल का बच्चा, इतना होनहार बच्चा था कि उसके, इनके घर में जो मूर्ति है उसके हाथ की बनाई हुई मूर्ति है, और इतना होनहार बच्चा जब जाता है तो आदमी को एक एक उसके पल याद आते हैं। आज उनके जो कष्ट, उनको दुख है, वो हम लोग समझ सकते हैं लेकिन महसूस वही कर सकते हैं, उनको ही मालूम है कितना तकलीफ हो रहा है। ये परिवार के साथ हम सब लोगों की सहानुभूति है और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और आदर्श मिश्रा को न्याय अवश्य दिलाएंगे, इसमें कभी भी हम लोग अलग नहीं होंगे, सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। ये आदर्श मिश्रा के साथ जो केस हुआ है, ये इस तरीके का मेडिकल का हमेशा रवैया रहा है। मैं कई बार मेडिकल में कई पेशेंट को ले गया हूँ और वहाँ सीधा कुत्ते की तरह भगा देते हैं, वहाँ कोई किसी का ट्रीटमेंट होता नहीं। सिर्फ आदर्श मिश्रा की बात नहीं है, इनके साथ तो उन्होंने पूरा अमानवीय व्यवहार किया ही है। हमेशा उनकी ये आदत है, कोई पेशेंट लेके जाए तो उसको बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि जैसा कुत्ता है, जबकि जो लोग टैक्स देते हैं उसी पैसे से उनका पगार होता है और उसी पैसे में वहाँ के जो डॉक्टर है फुकट में पड़ते हैं। फुकट में पड़ने वाले डॉक्टर जितने हैं पूरे एक नंबर के किसी ऊपर ध्यान नहीं। कई केसेस में देख चुका हूँ, इस आदर्श मिश्रा केस में दूसरे दिन सब सुबह से लगा हूँ कंटिन्यू कि क्या पोजीशन है, कब क्या, और सब मित्र वालों ने बेचारे अपने जान में खेल खेल के ऐसे केसेस बचाते हैं। सर्व मित्र जितने हैं इनके पूरे कार्य सराहनीय हैं, इन्होंने हमेशा जान जोखिम डाल किया इस केसेस में। कई तो सर्व मित्र पकड़ते पकड़ते बेचारे मर जाते, काट लेते, और इतना बचाने सब कुछ करने के बाद भी मेडिकल मेवा जो सरकारी हॉस्पिटल्स है ये पूरे मतलब इसके तरफ जितने भर्सना की जाए कम है, और इनके ऊपर पूरा मर्डर का केसेस लगना चाहिए, पूरा इनके कारण मर्डर हुआ। अगर तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच्चा बच जाता था। इसके बाद भी 6-7 दिन तक बेचारा मौत से लड़ता रहा, आखिरी सांस तक हम लोग उसके साथ रहे, और ये पूरा तरह से मेवा और मेडिकल इसके लिए जवाबदार है। उसका मौत का पूरा मेवा और मेडिकल का स्टाफ जवाबदार है। इनके ऊपर 100% मर्डर के केसेस लगना चाहिए, ये मेरा बोलना है। 10 साल का बच्चा आदर्श, जो हम सबके बीच आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो परिवार पर बीती है वो कोई नहीं जानता। हम सब सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो एहसास उनके पिताजी और उनके माताजी झेल रहे हैं वो शायद हम में से कोई नहीं समझ पाएगा। बात सिर्फ सवालों की है, क्या हम किस पे उंगली उठाए, मेयो हॉस्पिटल, मेडिकल पे, वो मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ कई ऐसे डॉक्टर मौजूद है जो रियल में डॉक्टर भी नहीं है, जो कई बार पकड़े जाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन में रखना पड़ता है, या ऐसे पुलिस स्टेशन में हम भरोसा किया जाए जहाँ पुलिस वाले एक मासूम व्यक्ति को छोटी सी बात के लिए तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। ये सवाल हम सब के लिए खड़ा होता है कि कल हमारे परिवार में से कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद होगा और उसकी ऐसी हालत होगी तो हम सब कहाँ जाएंगे। आज हम अगर ये लड़ाई में पीछे हो गए ना, तो कल जब हमारा कोई अपना वहाँ पर पड़ा होगा तो इसके लिए आप सवाल पूछने के हकदार नहीं होंगे। मेहमान NBCN न्यूज़ के लिए।